अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आरएसएस तेलंगाना इंतखाबात के लिए कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्टर हैं। इन बातों का इजहार सैयदा फलक ने मजलिस के हक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए किया और एक मुनक़दा जलसे से खिताब करते हुए मजीद तफसीलात बताई। आइए देखते हैं सैयदा फलक ने मजीद क्या कहा। कभी नमरूद था दुश्मन, कभी फिरौन ज़ालिम था। वक़्त बदले हैं चेहरे, नहीं बदला ज़माना है। वक़्त बदले हैं चेहरे, नहीं बदला ज़माना है। हर फिरौन के लिए एक मूसा तो पैदा हो जाता है, लेकिन तारीख हमें गवाही देती है कि वक्त के यजीद फिरौन अबू जहल नमरूद से लड़ना मुश्किल नहीं है। ज्यादा मुश्किल है वक्त के मुनासिबों को पहचानना, ज्यादा मुश्किल है वक्त के भैरवियों को पहचानना। हम सबको मालूम है कि वक्त का फिरौन तो कौन है, लेकिन अब अवाम को वक्त के भैरवियों को पहचानना है, वक्त के मुनासिबों को पहचानना है। अगर कोई मुस्लिम कायदीन कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, रेवंत रेड्डी का साथ दे रहे हैं, तो क्या वो भूल गए जब 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था तो ये आरएसएस ना बीजेपी में था। हम उस शख्स पे कैसा भरोसा कर सकते हैं जो आरएसएस में पला बढ़ा और बाबरी मस्जिद की शहादत जिसके दौर में हुई थी, वो कांग्रेस का लीडर नरसिम्हा राव की अस्थियों को जिस तरह कुत्तों ने लेकर भागा था, उनकी अस्थियों को जिस तरह कुत्तों ने खाया था, इंशाल्लाह हर वक्त के जालिम का हाल उसी तरह होगा। आज क्यों कांग्रेस यहाँ पे झूठे वादे कर रही है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी कर रही है, मैनिफेस्टो जारी कर रही है? अगर कुछ दिखाना ही है तो रिपोर्ट कार्ड बताओ ना भाई। दूसरे स्टेट में जहाँ आपकी हुकूमत है वहां पे आप क्या क्या करें बताइए। वहां का माइनॉरिटी बजट क्या है, वहां क्या डेवलपमेंट करें, वहां पे क्या पर कैपिटा इनकम है, वहां का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वो बताओ। सिर्फ झूठे वादे। आज मजलिस के पास मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन मजलिस के पास अपना रिपोर्ट कार्ड है कि मजलिस ने क्या क्या किया है, यहाँ पे क्या तरक्याती काम किया है, मजलिस ने यहाँ पे आवाम के लिए क्या क्या किया है। मजलिस के पास अपना रिपोर्ट कार्ड है। मजलिस काम की बुनियाद पर आवाम के वोट हासिल करते आई है और इंशाल्लाह ये काम हमेशा जारी रहेगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करके आज की अपनी इस जमात को कामयाब करिए, यहाँ के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख हमको ये पैगाम देती है कि हक मांगने से नहीं मिलता, हक को हासिल करना पड़ता है और हक लड़के हासिल किया जाता है, मेहनत से, जिद्दोजहद से, कुर्बानियों से, बहादुरी से। सरजमी हैदराबाद की आवाम ने मजलिस को और अपने इत्तेहाद को अपने खून पसीने से मजबूत किया है। हमारा इत्तेहाद ही हमारी ताकत है और अपनी इस ताकत से हमने यहाँ की हर हुकूमत से काम लिया है और जालिमों का भी मुकाबला किया है। इतने सालों से सबने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया है, इसलिए मजलिस आपकी अपनी जमात कहलाई जाती है। मजलिस को बी टीम बोलने वाले, तंकीद करने वाले आज खुद बी टीम बने हुए हैं। मजलिस माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए ए टीम है, नंबर वन टीम है, क्योंकि जब कौम के मसलों की बात आती है तो मजलिस सबसे पहले खड़ी हो जाती है। दिल्ली में हम सबने देखा, वहां के गुस्ताख रसूल को कोई सजा नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे मजलिस की वजह से, अपने इत्तेहाद की वजह से हैदराबाद के गुस्ताख रसूल को सजा दी गई। जब हमारे शहर में गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे तो मजलिस के लीडर सवाम के साथ थे। यहाँ के नौजवानों को कुछ नहीं हुआ, मजलिस ने यहाँ के नौजवानों को कुछ होने नहीं दिया। एहतजाज के बाद नौजवान सही सलामत अपने घर वापस चले गए और अगर केसेस बुक भी हुए तो मजलिस के कॉर्पोरेटर्स पर हुए। मजलिस ने अवाम को कुछ होने नहीं दिया, नौजवानों को यहाँ के कुछ होने नहीं दिया। लेकिन हम दूसरे स्टेट में देखे तो वहां पे जब नौजवानों ने गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज किया तो उनके ऊपर यूपीए लगा दिया गया। अगर मजलिस अवाम की कौम की नुमाइंदगी करती है तो कौम का तहफ्फुज करना भी मजलिस का काम है, मजलिस की जिम्मेदारी है और मजलिस से जिम्मेदारी निभाती आई है। आज यहाँ बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं कि वो यहाँ के मुसलमानों का एनकाउंटर कर देंगे, हमारे घरों पर बुलडोजर चला देंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, लेकिन वो यहाँ कामयाब होने वाले नहीं है और उनको ये बात मालूम है कि यहाँ पे बीजेपी जीतने वाली नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस का साथ दे रहे। कांग्रेस और बीजेपी मिलके हमारे खिलाफ काम कर रहे। कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि कुछ सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का साथ
साथ दे रही, तो कुछ सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का साथ दे रही। और इस इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्टर आरएसएस है। क्यों? क्योंकि 9.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना तो कोई कर्फ्यू हुआ, ना यहाँ पे कोई फसादात हुए। तो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस यहाँ के अमन को तोड़ना चाहती है। अगर हमें हमारे शहर के अमन को बरकरार रखना है तो हमें मुसलसल तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। आरटीसी तेलंगाना मजदूर यूनियन के कायद आसवा दमारेड्डी ने खैरताबाद प्रेस क्लब में मुनाक़िदा एक मीटिंग में शिरकत करते हुए ऐलान किया कि आरटीसी तेलंगाना मजदूर यूनियन रियासत तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को रजाकाराना तौर पर अपनी हिमायत का ऐलान कर रही। कायदीन को मशवरा दिया गया कि वो आरटीसी मुलाजमीन के साथ साथ उनके अहल खाना के साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को वोट दें और आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रेवंत रेड्डी का नायकत्वम, राहुल गांधी का नायकत्वम। టాక్స్ 15% రాసేసి పెట్టి 5% ప్రాపర్టీస్ బాగోలేదు, ఒక్కడ ఏడు ఒక్కడ రెండు సింగిల్ వాళ్ళు కూడా చెప్తాను. మా సారు నిర్ణయం ఒక 10-15 రోజుల ముందు తీసుకొని ఉంటుంటే 98 డిపోలు కాబట్టి ఒక ఉద్యమం చేసేవాళ్ళం సార్. 2,50,000 ఓట్లు మాయి మా ఫ్యామిలీలు 80,000 మంది. త్వరలో 3వ తారీఖు నాడు ప్రగతి భవన్ ప్రజాభవన్ చేద్దాం. टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आपका पालामोरू बच्चा कामरेड्डी में केसीआर को शिकस्त देने के लिए मुकाबला कर रहा। मेरी पालामोरू फैमिली मेंबर से अपील है कि वो कांग्रेस को वोट दें और कहा कि इस इलाके में बनाए गए मंसूबे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही बनाए गए थे। पालामोरू रंगारेड्डी को 10 सालों से केसीआर के कंट्रोल में रखा गया। केसीआर को पालामोरू के किसानों से कोई मोहब्बत नहीं है, उन्हें इस इलाके की तरक्की का कोई ख्याल नहीं। राजस्थान के एमएलए कौमी कायदीन सचिन पायलट, कौमी तलबा कायदीन कन्याकुमार, एनएसयूआई के सदर बालामुरी वेंकट ने गांधी भवन में तलबा और बेरोजगारों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। हल्के कामरेडी में मोहम्मद महमद अली ने बदखामा कुंटा में मुनाकदा मुस्लिम अखिलती आत्मिया सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मुजीब उर्दू अकेडमी के चेयरमैन के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम अखिलतों और कारकुनों ने भी इसमें शिरकत की। करने के लिए हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर रहा, सेकुलर लीडर है, डेवलपमेंट दिलाने वाला लीडर है, वो केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने 14 साल जद्दोजहद की तेलंगाना के लिए। उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे जब भी हम उनके साथ दिल्ली जाते थे। उस वक्त बहुत से जो एमपी से उनकी पार्टी के सुदूर से मिला करते थे, साहब कहते थे कि पार्लियामेंट में बिलाया तेलंगाना का तो आप सपोर्ट कीजिए। लोग क्या कहते थे, राव साहब ये तेलंगाना लेकर क्या, कभी भी हमारे लिए रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 1,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल खोले है, जिसमें 204 माइनॉरिटीज के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए। और वो जो बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं ना,
बेचारे बड़े मजबूर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग मंडी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, पंचर बनाते हैं, ये जो अपना माथा है ना सीधे में टेकते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, नमाज होने के बाद दुआ करते हैं, अगर किसी वजह से बारिश ज्यादा हो गई अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह बारिश इतनी बरसा जितने हमें जरूरत है, तबाही की तरह बारिश मत बरसा अल्लाह, हम पर रहम फरमा। अगर बारिश नहीं होती ना फिर अल्लाह से दुआ करते अल्लाह बारिश बरसा ताकि हमारे किसान अनाज पैदावार कर सके, हमारे लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके, ये हमेशा दुआ करने वाले इन लोगों। टीडीपी के खामी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश राजमंडरी पहुंच गए हवाई अड्डे पर, तेलुगुदेशम कायदीन और कारकुनों ने लोकेश का शानदार इस्तकबाल किया। नारा लोकेश राजमंडरी से पेडालडा युवागलम कैंप साइट के लिए रवाना हुए। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और बीआरएस कायदीन गुत्ता अमित रेड्डी ने नलगुंडा कस्बे के रिवर निम्स अस्पताल में बीआरएस पार्टी कायदीन अनीश की इयादत की। अनीश को हाल ही में दिल से मुतालिक मसले के साथ रिवर निम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गुत्ता सुखेंदर रेड्डी को इस मामले का इल्म हुआ और वो अपने बेटे के साथ गए। अनीश ने डॉक्टरों से उनके सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। इसके अलावा सीनियर बीआरएस कायदीन वेंकटेश्वर राव, गोपाल रेड्डी, स्वामी गौड़ और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। वही अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड वो इंचार्ज गोशा महल असेंबली हल्के के इतला के मुताबिक हल्का असेंबली गोशा महल में के टी आर का रोड शो हजारों की तादाद में अवाम की मौजूदगी में मुस्लिम अवाम के लिए भी कई वादों और ऐलानात किए, जिसमें दत्तात्रेय नगर डिवीजन के लिए सर्वनगर में रोड की कुशादगी के मंसूबे के लिए जमीन का हसूल, नटराज नगर मेन रोड NP3 पाइपलाइन की तनसीब, अम्बेडकर नगर मुस्लिम शादी खाने की तामीर, हरी दरगाह वक्फ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर, दरगाह हजरत यूसुफैन औलिया की मुकम्मल तौर पर तज़ईन व आराइश, मस्जिद मियां अमश्क को भी पेंडिंग 2 करोड़ महकमे आसार खदीमा से जारी करवाने का तयफ़ुन और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर का वादा, वेटरनरी अस्पताल खुली जगह और अखिलियतों फंक्शन हॉल की तामीर और चिश्ती चमन हवाई गुड़ा कुमार दराइन लाइन की दोबारा तामीर भी, और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार नंदू किशोर व्यास उर्फ नंदू बिलाल को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। भारत राष्ट्र समिति की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि आपके हुक्म पर दोबारा गौर करने की जरूरत है और रियासत तेलंगाना में किसानों को रईतु बंधु इमदाद की तकसीम की इजाजत देने की कोशिश करनी चाहिए। किसानों की फहरिस्त के मुताबिक जो हुकूमत तेलंगाना के पास लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज डेटाबेस पर दस्तियाब है, इस जमन में दरख्वास्त की गई है। वाजिर है कि तेलंगाना इंतखाबात के पेश नजर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रईतु बंधु स्कीम की रकम तकसीम करने की इजाजत से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। निजामाबाद में बीआरएस पार्टी को झटका, इंतखाबात के वक्त हर सियासी जमात में हर एक कायद और कारकुन की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उम्मीदवार और उसके फॉलोअर्स कायदीन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कारकुनान की जरूरतों का ख्याल रखें, उनके मसाइल से आगाही हासिल करें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बगावत का सामना करना पड़ता है। शहर के महिला फुलांग के मशहूर वो मारूफ भारत बैंड खैली अमजद ग्रुप ने कुछ दिन कबल ही बेगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी जलसे में पहुंचकर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर, सैयद नजीब अली एडवोकेट व दीगर कांग्रेस कायदीन ने भारत बैंड फैमिली अमजद ग्रुप का वालहाना इस्तकबाल किया। हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन में कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की क्यादत में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा, जिससे मजलिस और बीआरएस क्यादत तशवीश में मुब्तला हो चुकी है। पार्टी कायदीन और कारकुनान की बगावत को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही, लेकिन आइन इंतखाबात के वक्त इस राबता पैदा करने पर बाकी कायदीन या कारकुन उनकी आला क्यादत पर भरोसा करने के लिए आमदा दिखाई नहीं दे रहे। बीआरएस और एमआईएम में बगावत बीआरएस उम्मीदवार बेगाला गणेश गुप्ता के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। निजामाबाद महिला फुलांग में बीआरएस पार्टी को झटका लगा है। अर्बन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की लहर देखी जा रही। शहर के नौजवानों के कई ग्रुप रोजाना कांग्रेस में शामिल होते जा रहे और उन्हें कामयाब बनाने की मुहिम जुड़ गई है। शहर के कदीम महले फुलांग के बासर नौजवानों ने मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अब्दुल रहीम गौस, सैयद शमशाद, तौफीक अली, अब्दुल बारी अफजल के हमरा कसीर तादाद में नौजवानों ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद मसरत का इजहार किया और राय दहिंदों से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट देते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि निजामाबाद शहर के तमाम तबकात से
شہر کی ترقی کے لیے انہیں ایک موقع دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس حکومت اور بی آر ایس کے رکن اسمبلی بگالا گنیش گپتا نے شہر کی ترقی کے لیے صرف اعلانات کی عملی اقدامات نتارت ہیں۔ نظام آباد بی آر ایس پارٹی کو جھٹکا، محلہ پھلانگ ڈویژن نمبر 46 سے بی آر ایس پارٹی کے وارڈ صدر مرزا واصل بیگ بی آر ایس پارٹی کو چھوڑ کر محمد علی شبیر کے ہاتھوں کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہن کر پارٹی میں شامل ہو گئے۔ جب کانگریس پارٹی اقتدار میں تھی تب عوام کافی پریشان تھی، جب سے تلنگانہ میں کے سی آر کی سرکار بنی ہے تب سے عوام میں خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار گوشہ محل حلقے کے لوگوں نے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ السلام علیکم، میرا نام ضمیر ہے اور جو پارٹی ڈیولپنگ کر رہی میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ جو پیسے لے کے جو ووٹ ڈال رہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حشر میں منہ دکھانا ہے اپنے کو، سمجھے نا۔ اور ہم جو ووٹ دیں گے کے سی آر صاحب کو دیں گے، ہم ووٹ بہت ڈیولپ کرے۔ 10 سال سے جو حکومت ہے نا کبھی فساد نہیں ہوا، اور بستی دواخانے ہیں یہاں پر، اور بولے سو شادی مبارک کا اس کے اندر، اور بولے سو مسجدوں کو امام صاحبوں کو دے رہے، اور بچی پیدا ہوئی تو بچی کے لیے بھی دے رہے انہوں پیسے، ہر چیز کے لیے انہوں ہمارے لیے سیفٹی کر رہے انہوں۔ ہم کے سی آر صاحب کو دیں گے اور ہمارے گھر کے جتنے بھی ممبر رہیں گے ہم پورے کے سی آر صاحب کو دیں گے ووٹ۔ شادی مبارک کو 1.5 لاکھ روپے دیے، زمینیں دیے، اور ڈبل بیڈ روم کا چل رہا آج کل، اور بہت کرے انہوں سہولت۔ اور کانگریس جو حکومت ہے خالی فساد کرائی، لڑائی جھگڑا یہی کرائی، اس کرفیاں کرائے، اور اس سے ہم کو کوئی ڈیولپنگ نہیں ملا۔ اور جو بھی کر رہے نا ہم کے سی آر صاحب بہت ڈیولپنگ کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہندوؤں کو دے رہے ہوں، کرسچنس کو دے رہے، سکھوں کو، بھائیوں کو دے رہے، مسلمانوں کو دے رہے۔ اور پیسے لے کے ووٹ دینا بہت غلط بات ہے، اپنے کو اللہ کے پاس منہ دکھانا ہے اپنے کو۔ اور کتنے دن کھائیں گے جی اپن پیسے؟ بہت سے بہت ایک دن دو دن کھائیں گے، 5 سال تک اپن کام لینا ہے آگے والے سے اپنے کو۔ 5ویں کراٹے ڈو چیمپئن شپ 2023 کی افتتاحی تقریب سعدی میموریل انگلش میڈیم اسکول بنزانگم بیروا میں ڈسٹرکٹ کراٹے ایسوسی ایشن بٹگان کے چیف کاؤچ سپورٹ سرباز سجاد ابو ماجد پر، چیئرمین سعدی میموریل بنزگام تجمل خان انگلش میڈیم ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری بنزانگم بٹگام نے منعقد کی ہے۔ منظور پر اور مظفر اے ایچ ڈار آرگنائزنگ سیکرٹری پرنسپل کنڈر گارٹن اور انٹرنیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور لاسی پورا کھاگ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مقامی افراد، اساتذہ، سٹاف ممبران بھی تقریب کے دوران موجود رہے۔ میگا اسپورٹس ایونٹ کو بیروا قرار دیا گیا جس میں 400 سے زائد کھلاڑیوں نے مختلف اسکولوں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، آج کے پروگرام کے بارے میں میں یہی بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارا فار فلنگ ایریا ہے، یہ بیرو سائیڈ میں جو یا کھاگ سائیڈ میں جتنے بھی اسکولز ہیں، یہ پروگرام ان کے لیے ایک مثال ثابت ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارے فار فلنگ ایریا کے بچے ہر ایک اسپورٹ سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہوا اس میں زونل لیول سے بچے آئے اور ڈسٹرکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، یہ ایک اچھی سائن ہے، کیونکہ اس سے پہلے بچے آتے تھے ایسے ہی کھیلتے تھے تو ڈسٹرکٹ میں جاتے تھے، لیکن یہ ایک اچھا پروگرام ہے۔ اور اس میں جو بھی پارٹیسپینٹس آئے وہ یہ مطلب ان کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے پاس شمتا ہے کھیلنے کی تو وہ پہلے زون میں کوالیفائی کر کے ڈسٹرکٹ میں آئے۔ آج یہی اچھی بات ہوئی ہے یہاں پر جو میں نے دیکھے ہیں۔ تو ایز کوچ جو میں اب ایکس کوچ رہا ہوں، کیونکہ اب زمانہ بیت گیا، تو اچھا لگتا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ان گیمز میں شرکت کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی میں بچوں سے بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے ایک ڈرگز کا مسئلہ ہے اس سے یہ بالکل کنٹرول میں انڈر کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کر کے یا جو ایتھلیٹس ہیں ہمارے۔ مائی نیم از عروجا رحمان فرام سعدی میموریل انگلش میڈیم اسکول، آئی ریڈ ان کلاس 8۔ دیکھیے یہ جو یہاں پر سعدی میموریل میں جو 5th کراٹے ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے، ہم اس کے ذریعے بہت خوش ہے کہ انہوں نے سعدی چنا، ہم ان کے بہت خوش، بہت مزہ آتا ہے اور وہ جو ان کی نگیٹونیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، مائی نیم از زینب رشید فرام کلاس 8 آن بہاف آف سعدی میموریل انگلش میڈیم اسکول۔
शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तजम्मुल सपोर्ट्स एकेडमी एज़ वेल एज़ जो हमारे प्रिंसिपल मिस्टर मंजूर सर है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने यहाँ पर जो इवेंट करवाया इससे बहुत बच्चों को भी बहुत खुशी हुई और जो यहाँ पर दिल लगा बहुत खुशी हुई इससे। तेज है कि जो आजकल के स्टूडेंट्स है वो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है लेकिन उन जो उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ड्रग बच्चों के सेहत को बिगाड़ देता है। मैं यही बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो इस ड्रग एडिक्शन से दूर रहे। हाँ कराटे ही नहीं है कैट है या फुटबॉल है बाकी खेल मुझे लगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तजम्मुल स्पोर्ट्स एकेडमी एज वेल एज और प्रिंसिपल सर जिसने यहाँ पर इवेंट रखा है। हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो 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 आजकल के जो स्टूडेंट्स है ड्रग एडिक्शन में ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं मेरी यही मैसेज रहेगी उनको कि वो उसे दूर रहे। सुबह हमारी ज़िंदगी में जिया है और जो कि आज मतलब क्या लड़कियां जो है ना इनमें से एक लड़की को ज़रूरी है फर्स्टली अपनी सेफ्टी अपनी इज्जत। उसके बाद अगर एक लड़की जो है आजकल जो एक किस्म के कुत्ते घूम रहे हैं बाहर से तो ये जो है लड़कियों पे ऐसे आजकल बहुत सारी गंदी नज़रें हैं जो कि पहले ड्रग्स अगर एक लड़का आया ड्रग्स करके है आगे से एक लड़की अकेली तो कुछ भी हो सकता है। तो एक लड़की को क्या चाहिए सेल्फ डिफेंस मीन्स कि कल को कोई लड़का अगर कुछ उससे कहे तो उसको यहाँ से मतलब वापस जवाब दे या ये वापस ना भागे। तो पहले लड़कियों के लिए ये रहेगी कि अपनी इज्जत का ख्याल रखें और स्पोर्ट्स में ज्वाइन करें तो नॉट ओनली स्पोर्ट्स ऐसी मतलब अपना लोग जो गंदे गंदे काम इनसे दूर रह सकते हैं क्योंकि जो मतलब हम सब कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं इन जो जम्मू कश्मीर के बच्चे और बच्चियाँ हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो इनमें पार्टिसिपेट करें और जो ये ड्रग एडिक्शन है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस नामपली एमएलए कैंडिडेट मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में पैदल दौरा किया और आवाम से मजलिस के हक में वोट डालने की अपील की। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।